कोयम्बटूर एंड पलक्कड़ कोयम्बटूर इज़ इन तमिलनाडु एंड पलक्कड़ है केरला में इन दोनों सिटीज़ तमिलनाडु एंड केरला को कनेक्ट करता है दिस पलक्कड़ गैप सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है राजस्थान में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गोदावरी को बोलते हैं वृद्ध गंगा साउथ इंडिया की डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं जो वाटर गांधी के नाम से जाने जाते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया आज के सवाल हैं सुपर सेवेंटी फाइव स्कॉलरशिप स्कीम ये काफ़ी न्यूज़ में है सुपर सेवनटी फाइव स्कॉलरशिप स्कीम इज लॉन्च इन विच स्टेट यूटी ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज वॉट इज द नेम ऑफ इंडियाज इनिशियेटिव टू डिलीवर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन टू फ्रेंडली कंट्री इस आई आर में इसको देखा था हमने वॉट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिसी दिस स्कीम इनिशियटिव नागरहुल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट यूटी अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश अभी ये दो डेटा आया है मुंसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स किस सिटी को रैंक किया गया फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़ में मुंसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स देन सेकेंड है विच सिटी इमर्ज एज द बेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी के अकॉर्डिंग बेस्ट सिटी कौन सी है मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में हमारे यहाँ बायोस्फेयर हैं और कुछ बायोस्फेयर्स हैं वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम लिस्ट में हैं सो हाउ मेनी बायोस्फेयर रिजर्व्स इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व्स बेस्ड ऑन यूनेस्को एम ए बी प्रोग्राम लिस्ट इनके नाम क्या हैं सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो है मैस्कट इसका मतलब है कोई पर्सन है एनिमल है ऑब्जेक्ट है जिसको एडॉप्ट किया गया है एज अ ग्रुप वो उसका सिम्बोलिक फिगर है रिप्रेजेंट कर रहा है और मैस्कट यूजुअली गुड लक का ऐसा आर्बेंजर होता है रेस्पाइट रेस्पाइट का मतलब होता है टेम्पररी डिले करना कुछ टाइम के लिए रोक लगाना इंटरवल ऑफ रेस्ट और रिलीफ रिबफ इंडिया पे जैसे चार्जेस लगते हैं तो वी रिजेक्ट समवन और समथिंग इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर रिबफ रिबफ मतलब जैसे कुछ थ्योरीज था कुछ एलिजेशंस थे रिजेक्ट इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर डिफर डिफर का मतलब होता है पुट ऑफ जिसे एग्जाम्स थे यूपीएससी ने डिफर किया था प्रिलिम्स लास्ट ईयर पुट ऑफ एन एक्शन और इवेंट टू अटर टाइम पोस्टपोन करना कॉनड्रम कॉनड्रम मतलब एक पहली है कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन सो दीज आर समबुलरी वर्ड इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन विद्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं केरला हाईकोर्ट रिस्ट्रेन सेंटर ऑन आई टी रूल्स सेकेंड इज स्टिक टू कोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट ने बताया मीडिया का ये जो नई गाइडलाइंस है इसमें कोर्ट्स की क्या डिसीजन है विल हैव अ लोक दिस इज अबाउट नो ट्रस्ट वोट राजस्थान ग्रेड करना चाहता है पब्लिक वर्क को पब्लिक वर्क ऑडिटिंग दिस इज पोल अवेयरनेस अब ये मैस्कट्स हैं ट्वें साउथ ट्वेंटी फोर परगना में रेगुलेशन रिडक्ट्स है दिस इज अ केस फॉर अ रिवैम्ड नीड बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे पी डी एस then next is about this tectonic turbulence Nepal at a crossroad towards peace border TV channels final stages पे है ये floating solar power plant then USA related news है White House this is India arbitration against file करेगा this is focus on the present future will be bright और आज हम देखते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सी सेट के सवाल हैं और दिस इज सॉल्यूशन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर टेली एडिशन नाउ जो सिविल सर्विसेज प्रिलिम्स का एग्जामिनेशन होता है या इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं बेस्ड ऑन दिस एमसीक्यू इवन मेंस भी ये सारे एग्जाम्स होते हैं लो स्कोरिंग एग्जाम्स हमारे यहाँ क्या होता है स्कूल्स में कॉलेज में इतने फ्रीली मार्क्स मिल जाते हैं जैसे सी बी एस ई बोर्ड एक्सेट्रा तो स्टूडेंट्स का ये मैंटेलिटी हो जाता है हाई स्कोरिंग उन्हें करना है इवन नाइन्टी परसेंट आते हैं स्टूडेंट फील बैड कि केवल नाइन्टी आए बट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना दे आर नॉट हाई स्कोरिंग एग्जाम्स ये लो स्कोरिंग एग्जाम्स हैं दैट इज़ वाई जो अप्रोच होती है वो भी आपकी अकॉर्डिंगली टेम्पर आपको करना चाहिए अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट करना चाहिए एम शुड नॉट बी लाइक यू आर गोइंग to लाइक like, प्रूव yourself Your योर एम शुड बी लाइक यू हैव cut कट ऑफ दिस स्कोर कट ऑफ जो है उसको क्लियर करना है क्वालिफाई करना है प्रोलिम्स इसके मार्क्स कैलकुलेट भी नहीं होते हैं मेरिट लिस्ट में सो एम शुड बी लाइक टू कट ऑफ कट ऑफ क्लियर करना है दिस शुड बी योर फर्स्ट एम अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो बहुत हाई स्कोर करने की कोशिश करते हैं और फिर उस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग भी होता है और उनका इतना आसान सा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता लुकेट द नंबर्स 2013 में जब सी सेट भी आता था सी सेट मतलब पेपर टू भी था वो हाई स्कोरिंग था तब जाके कट ऑफ जाता था 60 परसेंट को टच करता था अप्रॉक्सीमेटली 2013 241 2014 में जो कंपलसरी इंग्लिश थे वो हटा दिए गए थे तो कट ऑफ गया अराउंड 205 और इसमें काउंट 205 था फिर 2015 में एक दशमलव तीन था एक सौ में हुआ इस टाइम पर बड़े ईजी क्वेश्चन भी आए थे डायरेक्ट करंट अफेयर्स के दैट इज़ वाई स्कोर अप हुआ था एंड सी नेक्स्ट ईयर से कट ऑफ कम होने लग गया हंड्रेड एंड फाइव नाइन्टी एट नाइनटी एट द पॉइंट इज कट ऑफ क्रेडिट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट द पॉइंट इज योर अप्रोच शुड बी टू क्लियर द कट ऑफ क्लियर द कट ऑफ मतलब हाई स्कोरिंग नहीं ये यूजअली एग्जाम्स जो होते हैं वो लो स्कोरिंग एग्जाम्स होते हैं तो दिस शुड बी योर अप्रोच नाउ लेट इस कम बैक टू न्यूज़ पेपर द फर्स्ट न्यूज इज़ अबाउट केरला हाईकोर्ट रिस्ट्रेन सेंटर ऑन आई टी रूल्स आई टी रूल्स बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है नए आई टी रूल्स ये हैं आई टी इंटर गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नाम क्या है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अब यहाँ कुछ हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा नए प्रोविजन हैं एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात है ग्रेवेंस रिड्रेसल की बात है ये थ्री टीयर का रेगुलेशन की बात है लेवल वन पे सेल्फ रेगुलेशन होगा पब्लिशर अपना इन हाउस रेगुलेशन करेंगे लेवल टू पे पब्लिशर्स की एक बॉडी बनेगी रेगुलेटिंग बॉडी पब्लिशर्स की होगी जो रेगुलेट करेगी कंटेंट को ये जो लेवल थ्री है इसका जो लेवल थ्री होगा वो होगा मैकेनिज्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस बात पे ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट का से होगा इसको रेगुलेट करने का चिलिंग इफेक्ट बोन ऑफ कंटेंशन क्या है न्यू आई टी इंट्रोड्यूस थ्री टीयर स्ट्रक्चर फॉर एंश्योरिंग ऑब्जर्वेंस एंड एडेरेंस टू कोड टू द कोड ऑफ एथिक्स बाय डिजिटल मीडिया पब्लिशर और एड्रेस करे ग्रेवेंस मेड इन रिलेशन टू पब्लिशर तो ये जो थ्री टीयर स्ट्रक्चर बनाना है इस बात पे डिस्प्यूट हो रहे हैं एक पिटिशन फाइल हुआ कोर्ट में फाइल हुआ केरला हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन कर दिया सेंटर को ऑन आईटी रूल्स ऑनलाइन लीगल न्यूज पोर्टल ने चैलेंजेस किए चैलेंज किया इस रेगुलेशन को सी पेटिशन का जो पार्ट थ्री है रूल्स का वो इम्पोज किया ये कहा गया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है दिस थ्री टीयर कंप्लेंट्स एंड एडजुडिकेशन स्ट्रक्चर ऑन पब्लिशर बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का ये यहाँ पे से आ रहा है ओवरसाइट मैकेनिज्म और यहाँ जो रूल्स आए हैं उसमें वॉट अबाउट राइट टू प्राइवेसी प्रैक्टिकल चैलेंजेस होंगे जैसे ओरिजिन बताना है कोई भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है तो जो इंटर है उनको बताना पड़ेगा ये फ़ेक न्यूज़ का ओरिजिन किसने किया पहला फॉरवर्ड किसका था किसने किया तो वो चेक कैसे करेंगे चेक करने के लिए उनको मैसेजेस रीड करना पड़ेगा तो इसमें राइट टू प्राइवेसी एक इशू होगा रूल फोर टू बोलता है मैंडेटरी है फॉर एवरी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इनेबल ट्रेसिंग ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स फेक न्यूज है ये किसने चलाया? और इससे क्या होगा? कि इनको कुछ लाना पड़ेगा जिससे वो मैसेज को चेक कर सके फिर वो राइट टू प्राइवेसी के प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो है यहां पर प्लस सेक्शन सिक्सटी ऑफ द आई एक्ट वॉयलेट हो जाएगा अगर वो इसको ओरिजिन ट्रेस नहीं कर पाएंगे आर्टिकल नाइनटीन वन अगर ट्रेस करेंगे तो आर्टिकल नाइनटीन वन ए वॉयट हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो एक तरफ सेक्शन सिक्सटी नाइन ऑफ आई टी एक्ट होगा दूसरी तरफ आर्टिकल नाइनटीन वन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो इन दोनों के कारण ये जो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो जाएगा जब हमें ओरिजिनेटर बताना है इन्फॉर्मेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इसने ये भी कहा है रूल ने कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये नहीं कर पाते हैं तो सेक्शन 79 नाइन के अंदर आई टी एक्ट सेक्शन सेवेंटी नाइन के अंदर इनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलता है मतलब आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है से ट्विटर है ट्विटर में किसी ने कुछ भी पोस्ट किया तो ये ट्विटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसने पोस्ट किया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेक्शन सेवनटी नाइन है बट अगर ट्विटर इस यूज़र के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाता है तो फिर ट्विटर को सेक्शन सेवेंटी नाइन के अगेंस्ट सेवेंटी नाइन के अंदर जो इम्यूनिटी मिली है वो बंद हो जाएगी तो ये भी एक इशू है तो इस बात पे यहाँ पे केरला हाईकोर्ट रिस्ट्रीन सेंटर ऑन आई टी रूल्स आई टी रूल्स का लेट्स वेट फॉर सम टाइम इसमें और थोड़ा क्लैरिफिकेशन एंड ओपिनियन बिल्डअप होने देते हैं देन विल डू दिस ओके जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने मीडिया को बोला कि स्टिक टू कोड स्टिक टू कोड अब ये बात है जैसे जो मीडिया है मीडिया की बात है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 दिस इज अबाउट मीडिया टीवी न्यूज एट्सेट्रा केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 तो ये कहा कोर्ट ने कि कॉन्फॉर्मिटी रखे आप प्रोग्राम कोड में जो इस एक्ट में दिया है कि रेस्पॉन्बल सेंसिबल एथिकल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कोर्ट ने एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो इंक्लूड टीवी चैनल्स ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स न्यूज एजेंसीज सोशल नेटवर्किंग माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस प्रोवाइडर जैसे फेसबुक ट्विटर एंड यूट्यूब सो इसका मैंडेट अब ब्रॉडन हो गया रलाट रिस्ट्रेन सेंटर ऑन आई टी रूल और ये है उत्तराखंड में न्यू चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत जी देन हरियाणा गवर्नमेंट डिफीट नो ट्रस्ट वोट नो ट्रस्ट वोट सी हम जैसे लोकसभा होती है लोकसभा के चुनाव होते हैं चुनाव में हम जो सांसद होते हैं उनको चुन के भेजते हैं जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं वो जाके अपनी सरकार बनाता है। सिमिलरली विधानसभा होता है विधानसभा मतलब राज्यों की सरकार विधानसभा में भी चुनाव होते हैं जैसे अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है तमिलनाडु में चुनाव है तो विधानसभा में जो चुनाव होते हैं तो वहाँ से बनते हैं विधायक एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एम असेंबली ये एम अब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एम होंगे वो सरकार का गठन करेगा सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव बनेंगे वो तो लेजिस्लेटिव फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हाउस में आए चाहे वो एल है लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा राज्यसभा और फिर वहाँ से ये बनती है सरकार एग्जीक्यूटिव अब जो सरकार बनी है हमारे यहाँ ये लिखा है कि जो सरकार बनी है वो रेस्पॉसिबल होगी टूवर्ड्स दिस पार्लियामेंट लोकसभा इन पर्टिकुलर या फिर राज्यों में विधानसभा इन पर्टिकुलर तो लोकसभा विधानसभा अगर इसका कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है सरकार के पास नहीं है तो वो सरकार गिर जाती है वो सरकार पावर में नहीं रह सकती और इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली और इवन संसद में भी ऐसा एक मोशन लाया जा सकता है जिसको बोला जाता है नो ट्रस्ट मोशन है यहाँ पे मतलब ट्रस्ट नहीं रहा है सरकार पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दें नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा वोटिंग होगा अगर सरकार को फेवर नहीं हुआ तो वो सरकार को रिजाइन करना पड़ जाएगा सो दिस इज नो कॉन्फिडेंस मोशन नाउ योर क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ नोट ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन लक्ष्मीकांत में बड़ा अच्छे से ये लिखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे एक नोट तैयार करें क्यों आता है इसका मैंडेट क्या होता है कंडीशंस क्या होती है डिफीट हुआ तो क्या होगा एक बार आ गया तो ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते फिर दूसरा मोशन आ जाए कुछ एक गैप भी होता है इसमें डिस्कस दिस क्वेश्चन और इसका आउटकम क्या होता है ये भी बताइए सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ओके नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर टू गुरुग्राम एंड दिस इज अबाउट पेज नंबर थ्री पेज नंबर थ्री यह न्यूज है लाइट रेन ब्रिंग्स रिस्पाइट फ्रॉम सोरिंग मरकरी सोरिंग पर्करी मतलब कुछ टाइम से टेम्परेचर राइज हो रहा है मरकरी अप हो रहा है मर्करी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज मर्करी एक्सपैंड होता है लाइक like लिक्विड भी है मेटल है ये एक्सपैंड होता है और जो थर्मामीटर वगैरह है उसमें हम मर्करी यूज करते हैं तो सोरिंग मर्करी लाइट रेन आया तो ब्रिंग रेस्पाइट फ्रॉम द सोरिंग मर्करी, दिस इज पेज नंबर फोर यहाँ एक न्यूज है राजस्थान टू ग्रेड रैंक पब्लिक वर्क पब्लिक वर्क जैसे एम नरेगा हम पढ़ते हैं एम जी नरेगा में बहुत सारा वर्क होता है डैम्स बना रहे हैं रोड्स कुछ बना रहे हैं या फिर कुछ पब्लिक यूटिलिटी की बॉडी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं एम जी नरेगा एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरह है एक अम्ब्रेला है कि हंड्रेड डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाएगा और वो भी अनस्किल्ड वर्क को एवरी एडल्ट ऑफ हाउस होल्ड के लिए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी नेट बट ये जो वर्क हो रहा है इसका भी चेक होना ज़रूरी है सोशल ऑडिट होना जरूरी है सिमिलरली गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करती है गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर के डेवलपमेंट के कैपिटल वर्क हो रहा है तो उसको जो पब्लिक वर्क है उसका ऑडिटिंग होना इज इम्पॉर्टेंट चेक इससे क्या होगा ट्रांसपेरेंसी आती है पब्लिक वर्क में जैसे कुछ काम बना रोड बना क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक वर्क इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और ग्रास रूट पार्टिसिपेशन होता है लोगों का पार्टिसिपेशन होता है एक सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है तो विच इज़ अ गुड थिंग और सोशल ऑडिट होता है तो इसमें चेक भी लगता है इेगुलरिटीज पे सो इट्स अ थिंग ऑफ गुड गवर्नेंस राजस्थान टू ग्रेड रैंक पब्लिक वर्क देन दिस इज द नेक्स्ट वन असेंबली पोल्स की बात है तो ये कौन से चुनाव हो रहे हैं ये हो रहे हैं विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के और जो सेंटर में होते हैं वो होते हैं दिस इलेक्शन सांसद वहां सांसद बनते हैं दिस एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहां बनते हैं एम एल ए विधायक मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे पोल अवेयरनेस इलेक्शन कमीशन जो है इसका एक बहुत बड़ा मैंडेट है लोगों को जागरूक करें बिकॉज हमारे यहाँ वोटिंग होती नहीं है सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लोग ही वोट करने जाते हैं बहुत सारे लोग वोट डालते भी नहीं है प्लस माइग्रेंट वर्कर्स का भी एक इशू है दैट इज़ वाई पोस्टल बैलेट की भी बात है तो पोल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सरकार कहीं की भी वैसी ही होती है जैसे वहाँ के लोग होते हैं ओके okay? हम अक्सर गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं कि दिस गवर्नमेंट इज़ लाइक दैट दैट

दिस इज़ रेगुलेशन रिडक्स एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स कैन वर्क ओनली इफ गवर्नमेंट सी द वैल्यू ऑफ नेचर वैल्यू ऑफ नेचर गांधी जी क्या बोलते हैं नीड का सब कुछ मिलेगा बट ग्रीड का नहीं मिलेगा यू हैव टू वर्शिप नेचर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से वर्शिप नेचर हमारा प्राइम मूवर रहा है सोसाइटी का बिकॉज अगर नेचर नहीं है तो अभी हमने उत्तराखंड में भी देखा हमारा कोई आइडेंटिटी है नहीं रेगुलेशन रिडक्स एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स जो हैं उसको वैल्यू करना जरूरी है नेचर को कल आई गिव यू दिस क्वेश्चन कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे भी नोट बनाना है हैव अ लुक एट पीडीएफ एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन दिस इज इंपॉर्टेंट और जो 2020 की गाइडलाइंस है तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है सेंटर को कि एक नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर बनाए रेगुलेटर किस एक्ट के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है 1986 का एक्ट हर साल इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब ई का जो प्रोसेस है उसमें ना एक सवाल ये उठता है क्रेडिबिलिटी का जैसे एनवायरमेंटलिस्ट ने कंसर्न्स उठाए कि 2020 की जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो डेवलपमेंट है उसमें लीनियंसी ज़्यादा हो गई है रेगुलेशन और क्लियरेंसेज मिलने का तो क्रेडिबिलिटी इज़ वन थिंग इसमें सिविल सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए कंप्लेन मैकेनिज़्म कैसा होना चाहिए प्रोपोनेट्स ऑल्सो इग्नोर द व्यू ऑफ कॉम्युनिटीज़ कॉम्युनिटीज़ जैसे कॉम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं रिजर्वस होते हैं कॉम्युनिटी जो उस एन्वायरमेंटल जोग्राफी टोपोग्राफी के आसपास रह रही है वो बेस्ट वेलवर्स हैं वो जानते हैं उसका हिस्ट्री जोग्राफी कि उसको कैसे कंजर्व प्रोटेक्ट कर जाए तो जो कॉम्युनिटी का जो व्यूज़ हैं उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए दैट वुड भी डिसप्लेस्ड और डिसप्लेसमेंट होता है जैसे डैम बनाया डैम बनाया तो बहुत सारा एरिया डूब में आ गया एरिया डूब में आ गया तो वहाँ जो कम्युनिटी रह रही थी उसको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा तो इल इक्विप्ड होते हैं और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है डैम बनाया तो कितना सारा जंगल पेड़ वगैरह सब डूब जाते हैं इको सिस्टम सर्विसेज क्लीन एयर वाटर फार्म प्रोडक्टिविटी इन सब का ओवरऑल एक कॉस्ट आता है तो डेवलपमेंट जो हम करते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड डेवलपमेंट है रैपिड पेस से हो रहा है ये हो रहा है एनवायरमेंटल कॉस्ट के बेसिस पे प्रेशर आ जाता है खास लैंड एंड इकोसिस्टम में फ्रॉम पॉलिटिंग प्रोजेक्ट और इससे फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो अभी हमारा फोकस क्या हो कि डेवलपमेंट भी अब हम साइडलाइन तो कर नहीं सकते हैं डेवलपमेंट भी कंटिन्यू करना पड़ेगा रिसोर्सेज कैपिटल वगैरह हमें वर्क करना पड़ेगा प्रोग्रेस अगर अदरवाइज स्टॉल हो जाएगी सो व्हाई नॉट वी मेक अ बैंक एक ऐसा बैंक बनाते हैं वाइट लिस्ट करते हैं लैंड इंडस्ट्री जैसे जो खराब लैंड है बैरन लैंड है वहाँ ऐसे एरिया में हम इंडस्ट्रीज लगा दें एक लैंड बैंक टाइप बनाएं जैसे प्रोजेक्ट्स थे रोड्स वगैरह के लिए कुछ टाइम पहले था लैंड बैंक ऐसे लैंड बैंक बनाए जो पॉलिटेड एरियाज हैं ऑलरेडी उसको रिक्लेम किया जाए दिस शुड बी अवर फोकस इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू डू इस फर्दर डिग्रेडिट्स फॉरेस्ट रिवर्स वेटलैंड एयर जिनका हेल्थ वाइटल है फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन इंडिया ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया की पॉपुलेशन राइज़ हो रही है तो जो लिमिटेड स्कॉर्स रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि हम इनका डैमेज नहीं करें वेस्टेज नहीं करें इनको डिग्रेड नहीं करें अ केस फॉर अ रिवैम्ड नीड बेस्ड पी ये टॉपिक सब्जेक्ट सिलेबस में भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पी ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस हुआ पी का यूटिलिटी देखा कोविड नाइनटीन लॉकडाउन हुआ पीडीएस का यूटिलिटी हुआ फार्मर्स एमएसपी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें भी पीडीएस और एफसीआई का एंगल है तो द पॉइंट इज ये जो पीडीएस सिस्टम है इसको हमें ओवरऑल की ज़रूरत है देर शुड बी पॉलिटिकल विल पॉलिटिकल विल पॉलिटिकल विल ये होता है कि पॉपुलस मेजर्स होते हैं पॉलिटिकल विल ये चाहिए कि कई बार जो पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं है उसके बजाय दूसरा स्टेप लें जो रिक्वायर्ड है पॉलिटिकल विल टू टेक दिस स्टेप विच वुड रिड्यूस द सब्सिडी बिल एंड स्कोप फॉर लीकेजेस पीडीएस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है सब्सिडी बिल बढ़ जाता है और इसमें लीकेजेस भी है टारगेटेड आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी तक हम बेनिफिट पहुंचा नहीं पाते हैं. तो लेट लेटेस्ट टॉक अबाउट दिस पी सी बहुत आसान शब्दों में देखें हम इसे तो ये है किसान किसान से एम पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार ने प्रोक्योरमेंट किया और वो जो भी आ, अन्न खरीदा जो भी उसने प्रोड्यूस खरीदा उस सरकार उसको रखती है सेंटर के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एफ में अब ये तो सेंटर के पास था हमारे यहाँ अट्ठाईस स्टेट हैं तो अट्ठाईस स्टेट को सेंटर एफ अलोकेट करेगा सेंट्रल इश्यू प्राइस पे ये जो प्रोक्योरमेंट हुआ इसको सी पे स्टेट गवर्नमेंट को देता है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है इसको पहुंचाती है फेयर प्राइस शॉप पे डिस्ट्रीब्यूट करती है और फेयर प्राइस शॉप से बेनिफिशियरीज जो होते हैं उनको सेल ऑफ़ ग्रेन्स मिलता है सेंट्रल इशू प्राइसेस पे ये जो प्राइस होती है ना यूजुअली कम होती है मार्केट प्राइस से जैसे कई बार अरहर तूर दाल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो फेयर प्राइस शॉप से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो द पॉइंट इज़ कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है जो नीडी हैं जो एक्चुअल जिनको ज़रूरत है उन तक हम पी डी एस पहुँचा पाए इसमें वेलफेयर का भी एंगल है तो पी डी एस कैसे वर्क कर रहा है फार्मर प्रोड्यूसर से ग्रेन्स लिया उस ग्रीनस को पहुंचाया एफ ने एफ मेंटेन करेगा बफर स्टॉक और फार्मर्स को दे देगा एम प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है बफर स्टॉक हमारा ओवरफ्लो हो रहा है ओवर है तो एक तो एम भी कंटिन्यू रख रहे हैं हम तो यहाँ प्रेशर आ जाता है एफ पे एफ सी एलोकेशन दे रहा है स्टेट को स्टेट सेंट्रल इशू प्राइस दे देता है फिर स्टेट्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है फेयर प्राइस शॉप में और वहाँ से फिर बेनिफिशरीज़ को ये सामान मिल जाता है तो इस तरीके से पी वर्क करता है पी भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है जैसे नाइनटीन हुआ तो एक जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम जो हुआ फिर इसमें हमने टारगेटेड पी किया पहले यह था कि सभी को मिल जाता था एक आइडेंटिफिकेशन बेटर नहीं था अब हमने टारगेटेड किया रिवैम किया टू लार्ज पुअर हाउस को फिर अंत्योदय अन्न योजना आई अगेन टारगेट पुअर इज टू पुअर जो बहुत गरीब हैं खाने का सामान भी नहीं जुटा पा रहे हैं उनको हम टारगेट करें पी कंट्रोल ऑर्डर आया गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया एडमिनिस्टर करेगा टी को फिर एक केस आया फूड जो है राइट टू फूड है वो बताया गया कि राइट टू फूड भी एक फंडामेंटल राइट right है आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ फूड जो है वो फंडामेंटल राइट right है फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में इसने बोला कि ठीक है फूड जो है हम हम एक्ट के थ्रू इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म के थ्रू ये सारा फूड प्रोवाइड करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 अभी कुछ ही दिन पहले फिर हमने देखा था जो टारगेटेड है बेनिफिशियरी फूड सिक्योरिटी एक्ट में नीति आयोग की एक रिपोर्ट बोलती है कि वो नंबर थोड़ा कम करो बिकॉज सब्सिडी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सरकार का नाउ तो क्या मैकेनिज़्म हुआ फार्मर फार्मर से सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल से स्टेट स्टेट से डिस्ट्रिक्ट फिर ब्लॉक फिर गोदाउन फिर प्राइस शॉप और बेनिफिशियरी इस तरीके से ये मॉडल चल रहा है इसमें ना इशूज़ क्या है एक तो पुअर क्वालिटी यहाँ का जो फूड होता है कई बार जो बेनिफिशियरी वो बोलते हैं कि ये फूड तो खाने लायक नहीं है ये अनाज खाने लायक नहीं है सप्लाई जो होती है वो पुअर क्वालिटी है लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एफ के गोडाउन ओवरफ्लो हो रहे हैं फूड हम कई बार बाहर ओपन में रखना पड़ता है बारिश हो जाती है वो फिर सारा सड़ जाता है गल जाता है ख़राब हो जाता है फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी है बहुत सारे घोस्ट आइडेंटी बेनिफिशियरीज हैं मतलब वो पर्सन एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता है और उसके नाम से अनाज लिया जा रहा है इसीलिए हम फिर लेके आए आधार इनेबल्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ताकि जो घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं इसको हम एलिमिनेट कर पाए फूड सब्सिडी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है 1.84 लाख करोड़ था 2019-20 में और फिर लीकेजेस भी हो जाता है लीकेजेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन में जो फूड है वो बीच में दिस लीकेजेस होता है करप्शन इज ऑल्सो वन थिंग तो इससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी चैलेंजेस हैं इसको आइडेंटिफाई करना है हमें और अब इसको सॉल्व करना है तो गोडाउन बनाए गोडाउन ज्यादा से ज्यादा बनाए वेयर हाउस बनाए स्टोरेज कैपेसिटी बनाए कोल्ड स्टोरेज बनाए दैट इज वाई सरकार ने इसको क्या बना दिया इसको बना दिया कोल्ड चेन जो है इसको कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रख दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गोडाउन एंड सिलोज डिजिटाइजेशन करें राशन कार्ड आधार से लिंक करें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस एक बनाएं जिससे जो बीच में जो डिस बीच में लीकेजेस होता है पीडीएस सप्लाई में वो स्टॉप हो ऑटोमेशन करें फेयर प्राइस शॉप का ताकि जो दुकानदार है फेयर प्राइस शॉप में ये भी कोई रेगुलरिटी नहीं कर पाए डिजिटल कैशलेस लेस कैश पेमेंट करें आधार सीडिंग करें पी में तो ये कुछ सजेशंस थे जिससे हम पीडीएस को बेटर कर पाए अब एक टर्म आता है बीच में कुछ कमेटी आएगी शांता कुमार पैनल का रिकमेंडेशन है वाधवान कमेटी भी है कि पीडीएस डी की बजाय क्यों ना डीबीटी करें पीडीएस मतलब सरकार अन्न प्रोवाइड करा रही है एंटाइटलमेंट हो रहा है जो एसेंशियल चीज़ों का है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डी होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि क्यों ना हम लोगों को पैसे दे दें दे उनके हाथ में अब लोग फ्री है उसको जैसे खर्च करना है वैसे करो कैश इन द हैंड्स ऑफ पुअर दे दें दे। अब उनके पास चॉइस होगा मतलब दो किलो तीन किलो अनाज देने के बजाय से इन्हें हज़ार रुपये दे दो अब ये हज़ार रुपये से अपने हिसाब से खर्चा कर लेंगे मूव मनी लोगों के पास पहुँचाएँ इससे क्या होगा जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कम हो जाएगा जो इतना मैनेज करने के लिए सरकार को वर्क पड़ता है बट इसके फिर साइड इफेक्ट्स भी हैं कि जो ये पैसा इनके हाथ में पहुंचाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसमें क्या वेलफेयर का एंगल होगा अभी तो सरकार खाना दे रही है अब ये हज़ार रुपये का तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं तो देर इज़ वन दैट एंगल एज वेल तो टारगेटेड पीडीएस है और एक यूनिवर्सल पीडीएस है यूनिवर्सल पीडीएस मतलब सभी को प्रोवाइड कर दिया टारगेटेड मतलब से बिलो पॉवर्टी लाइन अबव पॉवर्टी लाइन सब्सिडी मिलती है सब्सिडी मतलब जैसे सौ रुपये का था जैसे सिलेंडर सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है तो वो आठ सौ का से आपको छः सौ समथिंग में पड़ जाएगा तो दैट इज सब्सिडी क्वांटिटी कॉमोडिटी ये चीज़ तो ये एक चीज़ है अभी कुछ ही दिन पहले इसमें शांता कुमार पैनल रिकमेंडेशन भी आया था एफ़ का ओवरऑल करने की इन्होंने बात किया रिपोर्ट सबमिट हुआ था एफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब ये जो गोदाउन है ना यहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहा है फूड जो है वो यहाँ गोदाउन में पड़ा पड़ा ख़राब भी हो रहा है प्रोडेंट्स भी बहुत होते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र क्यों ना करें ताकि फर्टिलाइज़र डी रेगुलेट भी कर दें इतना जो पी में हम खर्च कर रहे हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र सिटीज़ में होगा चेंज करें फूड सिक्योरिटी लॉ करें कि जो बेनिफिशियरी 67 परसेंट थे अभी मतलब हमने करीब करीब दो तिहाई लोगों को दिस फूड एक्ट के 2013 के अंदर रखा था इसको 40 परसेंट करो ये कुछ ज़्यादा नंबर है और सात पाँच सप्लाई सेवन के पर पर्सन कर दो फ्रॉम फाइव के और ये जो नंबर है इसको कम कर दो मतलब केवल फोर्टी जनसंख्या को ही टारगेट करें फिर एजेंसी ऑफ इनोवेशन करें विड्रॉ करें मेजर स्टेट्स से तो द पॉइंट इज द होल आइडिया इज जो ये आर्टिकल भी बोल रहा है वो ये है कि हम नीड बेस्ड पी डी एस करें नीड बेस्ड मतलब जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुंचे वेस्टेज नहीं हो जो नॉन एंटाइटल्ड है उसके पास जाने के बजाय जो एंटाइटल्ड है नीडेड है जिसको उसको पी डी एस मिले तो दिस इज़ पी डी एस अब ये जैसे एम एस पी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये सी आई पी होता है यूनिफॉर्म रेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इससे स्टेट्स इनको अपना सप्लाई देती है वो सी आई पी होता है एम एस पी एंड सी आई पी अब इसमें एक और टर्म है वन नेशन वन कार्ड माइग्रेंट वर्कर्स आए रजिस्टर्ड से बिहार में है बट वो रह रहे हैं गुजरात में तो अगर उनके पास ये वन नेशन वन राशन कार्ड है तो वो इस ए टी एम बैंक की तरह ये कार्ड होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चिप होगा वो गुजरात की भी किसी फेयर प्राइस शॉप में जाके अपना जो अनाज है उसका एंटाइटलमेंट ले सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज प्रिपेयर अ नोट ऑन पी जितना भी पढ़ा है ना इसको आप लिखिए कंसोलिडेट करिए इसका एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा प्रिपेयर अ नोट ऑन पीडीएस दिस इज इम्पोर्टेंट अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट ये था रेगुलेशन इंडेक्स टेक्टोनिक्स टर्बुलेंस है दिस इज द्रविड़न पॉलिटिक्स तमिलनाडु इलेक्शंस की बात है देन अ केस ऑफ रिवैम्ड नीड बेस्ड पीडीएस ये जो आर्टिकल है नेपाल एट अ क्रॉस रोड नेपाल में काफी टर्मोइल चल रहा है केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट लेट सी टूवर्ड पीस ऑन द बॉर्डर इंडिया की पॉलिसी है डिप्लोमेसी हम पीस को ज़्यादा अभी यहाँ पर महत्वता दे रहे हैं कल ये एक न्यूज़ आ रहा था पी एल ए में चाइना ने फिर से यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है नंबर्स बढ़ रहे हैं पी एल ए चाइना एल एस सी पे एट एस सी फिर ये डायग्नोसिस दिस गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायबिटीज़ से हम इंडियंस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो ये स्वीट टूथ है स्वीटनेस दिस मिठाई वगैरह फेस्टिवल्स दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड एक्सरसाइज शुगर एंड सॉल्ट शुगर एंड सॉल्ट अवॉइड दीज टू वाइट क्रिस्टल्स एज मच एज यू कैन नो एक्सरसाइज यस टूवर्ड्स पीस ऑन द बॉर्डर डायग्नोसिंग गैस्टेशनल, दिस इज डायबिटीज टी वी चैनल्स वॉन्ट अगेंस्ट वायलेटिंग कोड टी वी चैनल्स वॉन्ट अगेंस्ट वायलेटिंग कोड गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है दिस कंटेंट पर जो डिजिटल मीडिया स्पेशली में आ रहा है बिकॉज टी वी भी जो न्यूज़ चैनल भी आते हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एट टाइम्स एक्ट किए हैं दिस इज़ जोमैटो मोहन लाल रिसीव्स कोविड नाइन्टीन वैक्सीन सुपर स्टार एंड द्रश्यम टू इनकी अभी एक मूवी आई थी देन वर्क ऑन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन फाइनल स्टेजेस ये फ्लोटिंग है फ्लोटिंग मतलब पानी पानी पे ऐसा फ्लोटिंग पानी पे बनाने का एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि एक तो पहला फायदा तो लैंड हम अगर जमीन पर बनाएंगे तो बहुत सारा लैंड ऑक्यूपाई करेगा जमीन का वैसे ही शॉर्टेज है तो क्यों ना इन्हें वाटर बॉडीज़ पर बनाए फ्लोटिंग सेकेंड अगर ये ऐसा फ्लोटिंग हो जाएगा तो ये जो एवोपरेशन हो जाता है पानी का बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं इसको भी हम चेक कर सकते हैं इस प्लांट को बनाएंगे तो पूरा जो वाटर बॉडी है इसका भी हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा मेंटेन करना पड़ेगा प्रिजर्व करना पड़ेगा तो दिस लुक्स लाइक अ गुड आइडिया फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन फाइनल स्टेजेस ये कहाँ पर है रामा गुंडम द यूनाइटेड रामा गुंडम मे जून पे ये कमीशन हो जाएगा गोइंग ग्रीन हंड्रेड मेगा का है ये देन दिस इज नेक्स्ट वन दिस इज असेंबली इलेक्शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अलीज इन एन डी एडमिशन एन डी ए एडमिशन इवन यू पी एस सी यहाँ पे ये यह कहा गया कि अभी भी जो एडमिशन है वहाँ पर जो विमेन कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है इनको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है विच गोज अगेंस्ट राइट टू इक्वेलिटी एक्ट ऑफ कैटेगरी एक्सक्लूडिंग एलिजिबल एंड विलिंग फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम अपियरिंग फॉर द एन डी एंड नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन ओवर द ईयर हुआ है ये जो है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन सेक्स आप किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आर्टिकल फोर्टीन है राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इन सब चीजों के बेसिस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दिल्ली कोर्ट जजमेंट को भी परमानेंट कमीशन की बात किया था ये कुछ ही दिन पहले हमने देखा था आर्मी में परमानेंट कमीशन नेवी में परमानेंट कमीशन टू वुमेन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी ये डिसमिस करें जो सेक्स स्टीरियोटाइप है द व्यू दैट वुमेन वर्क फिजियोलॉजिकली वीकर देन मैन जो ट्रेडिशनली ऐसा था इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है तो ये पॉइंट किया है यहाँ पर देन आफ्टर मिजोरम मणिपुर ऑफर कर रहा है म्यांमार को रिफ्यूजीज देने का रेलवे सेफ्टी प्रोमिनेंट है फ्लैग्स गैप इन रिपोर्ट ऑन ट्रेन एक्सीडेंट ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन लॉयड ऑस्टिन कोऑपरेशन रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एक्सपेक्टेड है ये अभी इंडिया विजिट करेंगे डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस में इंडिया और यू का बहुत कन्वर्जेंस हो रहा है इवन जो अफगानिस्तान टॉक है उसमें भी रशिया ने इंडिया को इंक्लूड नहीं किया बट ने, ने किया कि इंडिया शुड इंक्लूडेड इन दिस पीस टॉक्स लोकसभा ने अप्रूवल दे दिया है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी बिल का दिस इज शो केज आइसक्रीम बीन्स एंड दिस इज कॉप इन द एक्ट दिस इज बैक टू रूट्स दिस इज ब्रेद इन ब्रीदिंग आउट सेलिब्रेटिंग द फॉर गॉटन अ गुड डे टू डाइव हार्ड इंडिया पैसिफिक नोसी फोकल पॉइंट हमने कल ही देखा था एक है क्वाड और दूसरा है इंडो पैसिफिक क्वाड बेसिकली मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस है पर जो इंडो पैसिफिक है ये पॉलिटिकल एंगल भी है दिस इज़ पॉलिटिकल इसका जो हॉराइजन है वो बहुत ब्रॉडर है इंडो पैसिफिक इज़ की प्रायोरिटी व्हाइट हाउस ने कहा बट जो थीम दोनों में है वो यही है कि चेक करना है चाइना का दिस अग्रेसिव राइज जो हो रहा है अर्ली शेड्यूलिंग द क्वाड का समिट सिग्निफाई ग्रुप्स इंपॉर्टेंस फॉर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन

दोनों के ही जो डिसीजन है उसके लिए इंडिया अपील करने का प्लान कर रहा है इंडिया फाइलिंग अपील अगेंस्ट केन आर्बिट्रेशन अवार्ड सोर्सेज ने का केन ने क्या किया टैक्स अब्यूज़ किया टैक्स अब्यूजिव स्ट्रक्चर बनाया डिड नॉट पे टैक्सेज एनी वेयर ऑन गेंस इन इंडिया ये जो कंपनीज हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था ये डमी होल्डिंग्स बनाती है शेल होल्डिंग्स बनाती है और इस शेल होल्डिंग्स के थ्रू ये अपना इन्वेस्टमेंट रूट करती है इससे क्या होता है कि ये जो टैक्स है टैक्स है बिकॉज जो सरकारें लॉज बनाती है उसमें लूप होल्स होते हैं ये इस तरह से स्मार्टली इन लूप होल्स को खेलती है और टैक्स इवेजन करती है तो इसीलिए जैसे 2012 में जब हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का आए थे उस टाइम पे आई रिमेंबर प्रणब दा उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बताया था एक स्टेटमेंट आया था कि क्यों ज़रूरी हमें पड़ रहा है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन करना बिकॉज ये इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं ये टैक्स अवॉइड कर रही है टैक्स स्किप हो रहा है इनसे दैट इज़ वाई फिर वो लेके आए थे वोडाफोन के इन फिर ये सारे केसेज आए वहाँ पे दिस इज अबाउट दिस टैक्स इवेजन एंड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड बट अब इससे प्रॉब्लम ये आ जाती है हम अपील करेंगे तो इससे ऑब्वियसली थोड़ा एक बैड इमेज आता है बैड इमेज आता है और फिर जो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं एक रॉन्ग मैसेज सेंड होता है फर्दर जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या हैम्पर कर देगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हैम्पर करेगा तो ये एक प्रॉब्लम है

ये केवल ट्रस्टेड सोर्सेज से ही खरीदेंगे बिकॉज चाइना एसपीओनज चाइना का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एसपीओनज है जिसे हुवावी को बैन किया यूएसए यूके में इंडिया भी इस इसपे कंसर्न है रोहित शर्मा चिल फोकस ऑन द प्रेजेंट फ्यूचर विल बी ब्राइट सिंपल माइंड सेट इज एवरी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में भी आप नोटिस करना माइंड सेट माइंड सेट सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है सलेक्शन का माइंड सेट राइट माइंड सेट होना जरूरी है यू एस डिफेंस सेक्रेटरी आ रहे है दिस इज डिफेंस सिक्योरिटी सो दिस इज़ द हिंदू रॉजर फेडरर इज़ बैक अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एक्सप्रेस में फर्स्ट है कैबिनेट ने बोला रेज करते हैं एफ डी आई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर सेवेंटी फोर परसेंट एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ डी आई और एफ आई आई दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेवेंटी फोर परसेंट गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन सब को इन्वाइट कर रही है इंडिया में अभी एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा दिस इंडिया देन दिस इज पॉलिटिक्स टेलीग्राम किडनी वर्ल्ड किडनी डे है इलेवेंथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दिस इज इंपॉर्टेंट देन ये है अपल स्टेट उत्तराखंड पॉलिटिक्स बिहाइंड द फ्लैग पॉलिटिक्स इमेज ऑफ एट एनी कॉस्ट दिस इज हैवी टच रेगुलेशन आई टी रूल्स गवर्नमेंट ने बोला सॉफ्ट टच रेगुलेशन है बट ये हैवी टच लग रहा है इन मीडिया कंपनीज को हैवी टच रेगुलेशन ड्रॉइंग ब्लू ब्लड दिस इज अबाउट रॉयल फैमिली जो यूके की है रेसिजम एंड ऑल काफी अभी न्यूज में चल रहा है देन द पुश स्मॉल फार्मर्स नीड पुश स्मॉल फार्मर्स नीड हमें जरूरत है हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए एक ऑर्गेनाइजेशन हो एक ग्रुप्स हो उनका बेटर रिकोगशन एंड राइट्स को आइडेंटिफाई हो अ ईयर ऑफ रिजाइलेंस है पैंडमिक मैनेजमेंट कोविड नाइनटीन माइंड द गैप वायरस और ये इसके बहुत सारे ये वेरियंट हैं वायरस के डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट है सास को टू न सी यंग इंडिया जो है वो क्या चाहता है जो यूथ है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है दे वॉन्ट एम्प्लॉयमेंट दे वॉन्ट जॉब्स और जॉब्स में भी आजकल फिर गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा प्रेफर कर रहा है jobs and the young indian this is the world us house virus relief package clear ho jayega myanmar mein tensions ho rahe hain pakistan could gilani win in senate poll british royal ne comments clarification diya hai this is defense security new criteria trusted sources se hi products aapko lene hain ये low base की है Push housing demand, housing demand जो real estate है वो काफी down चल रहा था अभी अब फिर से धीरे धीरे अपटेक आ रहा है यहाँ पे ऊपर है का उट ऑफ पी सी ए फ्रेमवर्क गवर्नमेंट फाइल कर रही है अपील के इन अवॉर्ड में सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस नाउ एट दिस ये चाइनीज़ वेंडर का था टेलीकॉम सर्विसेज में था कि ट्रस्टेड सोर्सेज से ही आप गैजेट्स लोग अभी फाइव जी भी स्टार्ट होना है हुआवे जेटी इन सब पे रडारे है रेड फ्लैग्स हिंदी में आज हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में सी लक्ष्मीकांत बुक है गुड बुक फॉर पॉलिटी इसमें एक कंसोलिडेटेड वे में दिया है जो प्रेसिडेंट है इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है आर्टिकल फिफ्टी टू बोलता है भारत के राष्ट्रपति फिफ्टी थ्री बोलते हैं संघ के कार्यपालक शक्ति कार्यपालक मतलब एग्जीक्यूटिव फिफ्टी फोर में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो कैसे बनता है 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ऑल दो इट्स असनो मर बिकॉज एक ही कैंडिडेट हमें यहाँ पे चूज करना है 56 सिक्स आप बताओ फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड क्या होती है एफ पी जो नॉर्मली हम इलेक्शंस होते हैं ना विधानसभा लोकसभा के यहाँ हम फर्स्ट पास द पोस्ट यूज करते हैं वो क्या है? होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है लिस्ट सिस्टम होता है जैसे जर्मनी में होता है फिफ्टी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पाँच साल के लिए होता है पुनर्चुनाव के लिए है राष्ट्रपति ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो दो बार चुनाव जीते हैं बैक टू बैक देर इज ओनली वन प्रेसिडेंट नेम 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कार्यालय की दशाएं क्या है 60 में होता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण 61 वन महाभियोग होता है अगर प्रेसिडेंट वॉयलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो उनका इंपीचमेंट भी पॉसिबल है राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय छह महीने के अंदर हमें नया प्रेसिडेंट चाहिए और वो जो छह महीने उसमें वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को हैंडल कर लेगा वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उस पोस्ट को हैंडल करेंगे एक ऐसे सीजे थे जिन्होंने ऐसे प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले किया है उन सीजेआई का नाम बताइए कुछ ही दिन पहले हमने लिस्ट देखी है ना प्रेसिडेंट्स की नेम सिक्सटी फाइव उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है सेवेंटी वन चुनाव से संबंधित मामले क्या है संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट सेवेंटी टू के पास क्षमादान और ये सारी उनके पास पावर है वो यहाँ पे जैसे माफ़ी हुआ को म्यूट हुआ रेस्पाइट हुआ या फिर स्कॉटफ्री कर रहे हैं आर्मी इवन आर्मी के के जो डिसीजंस हैं उसमें भी प्रेसिडेंट के पास मर्सी पावर होता है, है ना डेथ पेनल्टी का मर्सी पावर होता है तो वो सेवेंटी टू है सेवेंटी फोर में राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना है एग्जीक्यूटिव की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी मंत्रिपरिषद सेवेंटी फाइव प्रावधान है नियुक्ति कार्यालय वेतन तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं उनको बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे दूसरे मिनिस्टर्स फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं भारत के महान्यायवादी इनका अभी प्रेजेंट नाम क्या है सेवेंटी सेवन है भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन सेवेंटी एट है सूचना प्रसिडेंट को कोई भी न्यूज़ चाहिए वो सीधा प्राइम मिनिस्टर से वो न्यूज़ मांग सकते हैं संसद के जो सत्र होते हैं सत्रावसन भंग करना जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के वो प्रेसिडेंट वहाँ पे अनाउंस करते हैं स्टार्ट करते हैं और इलेवन है वन वन है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना बिकॉज जो बिल होता है ना बिल एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं वन वन टू है बजट वन टू थ्री है दिस अध्यादेश ज्वाइन करना ऑर्डिनेंस

टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड बिकॉज ये सेलिंग प्राइस थी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो हंड्रेड रुपी प्रॉफिट हो गया परसेंटेज निकालना है परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट सेकेंड सवाल है कॉस्ट प्राइस छप्पन किलो राइस का कितना हो जाएगा हम दोनों को ऐड कर देते हैं कुछ छब्बीस किलो बीस पे खरीदा तीस किलो उसने छत्तीस पे खरीदा तो छब्बीस इंटू बीस और तीस इंटू छतीस ये टोटल उसको कॉस्ट पड़ा छप्पन किलो राइस खरीदने का जो आया सोलह सौ सेलिंग प्राइस उसकी तीस थी तो छप्पन किलो राइस तीस में सोलह अस्सी में बेचा क्लियरली फ़ायदा हुआ फ़ायदा कितना हुआ अस्सी रुपये का हुआ एस पी माइनस सी पी दैट इज़ एटी अब परसेंटेज निकालना है मतलब एटी अपॉन सिक्सटीन हंड्रेड इंटू हंड्रेड दैट इज़ फाइव परसेंट ये भी बड़ा आसान है जब भी ऐसे सवाल आए ना सबका एक रुपये मान लेना चाहिए वन यूनिट का जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन वन है तो आठ पेन की कितनी हुई आठ रुपये हुई बारह पेन की कितनी हुई बारह रुपये हुई अब दिया है जो सेलिंग प्राइस आठ पेन की है वो बारह रुपए है तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हुई आठ रुपए और सेलिंग प्राइस हुई बारह रुपये तो प्रॉफिट कितना हुआ बारह माइनस आठ चार गेन परसेंट चार अपऑन आठ इंटू हंड्रेड दैट इज फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं गेन परसेंट ये सवाल है सेलिंग ऑफ फोर्टी फाइव इलेमेन फोर्टी में मैन को बीस परसेंट का लॉस होता है हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर रुपीज ट्वेंटी फोर ताकि उसको गेन हो जाए बीस परसेंट का ट्रांजेक्शन में थिंक एक बुक है बॉट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 से साढ़े तीन सौ कुछ किताबें खरीदी 200 से साढ़े तीन सौ रुपये की रेंज में सोल्ड किया 300 से 425 की रेंज में तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस केस सिनेरियो में हो सकता है सेलिंग एट बुक्स कितना प्रॉफिट हो सकता है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस को कम रखो सेलिंग प्राइस को ज़्यादा रखो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तरुण को थर्टी परसेंट कंसेशन मिला लेबल्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल में और उसको सोल्ड किया आठ हज़ार सात सौ पचास में और उस उसपे भी उसको पच्चीस परसेंट प्रॉफिट हुआ ई बॉट द प्राइस कुछ लेबल प्राइस थी उससे तीस परसेंट कम हो गया और उसने उसको बेचा तो उसको पच्चीस हो गया तब भी तो लेबल्ड प्राइस क्या है सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे दिस इज सी सेट और ये है दिस इज अबाउट आर्टिकल्स चाइनीज वेंडर फोकस ऑन द प्रजेंट फ्यूचर विल बी ब्राइट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इस पर नोट बनाना है रेगुलेशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी प्रिपेयर करना है हमें केरला हाई कोर्ट सेंटर आईटी रूल्स सो दिस इज इलेवेंथ ऑफ मार्च 2021 थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ